तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आ गया हूँ दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, बिल्कुल एयरपोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे। आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनी हुई कोठी मिलने वाली है। बहुत प्यारा दोस्तों इसका एलिवेशन देखिए, वुडन स्टाइल के साथ इसको एलिवेशन दिया गया है। और बहुत बड़ी कोठी दोस्तों, 167 गज में बनी हुई अल्ट्रा लग्जरी आपको कोठी मिलने वाली है। 5 BHK कोठी और बहुत प्राइम लोकेशन दोस्तों, सन इनक्लेव सेक्टर 125 में, बिल्कुल आपकी जो एयरपोर्ट रोड है दोस्तों, जो न्यू चंडीगढ़ हमारी एरो सिटी को एयरपोर्ट रोड जाती है उसी पे लोकेटेड है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ऐसी प्राइम लोकेशन दोस्तों, ऐसी लग्जरी कोठी और इतना प्यारा एलिवेशन। और अगर दोस्तों आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कितना प्यारी इसकी दोस्तों रूफ सीलिंग है, कितने प्यारे दोस्तों रूम के डिजाइन है, एलिवेशन बहुत अच्छा है। आप भी दोस्तों इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। इसकी सारी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां पे आपको प्राइसिंग, साइजिंग, लोकेशन सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप हमें कमेंट कर दिया करें, कॉल करें, हम आपको जरूर रिवर्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बिना देरी करे चलते हैं इसके अंदर। मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आप भी मत दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, कंट्रोल नहीं करना हमने, तो देखते हैं इस ब्यूटीफुल कोठी को। तो ये है दोस्तों एक और आपके लिए इंडिपेंडेंट कोठी लेके आ गया हम, बहुत ही प्यारी बनी हुई। देखिए बहुत प्यारा इसका एलिवेशन है और ये लोकेशन भी बहुत ही प्राइम है। पहले आप देखिए पूरा ओवरव्यू, लेन में सारी कोठियाँ बनी हुई हैं और ये कोठी का जो साइज होने वाला है 167 गज की ये कोठी मिलने वाली है आपको। और बिल्कुल इसके साथ ही दोस्तों ये आपकी मेन रोड जा रही है, जो दोस्तों सनी इनक्लेव के निकलती हुई जा रही है 123 सेक्टर को। तो बहुत प्राइम लोकेशन दोस्तों ये आपकी होने वाली है। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों बहुत प्यारा इसका मैं पहले एलिवेशन दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए एंट्रेंस पे दोस्तों ये आपको बहुत बड़ा डोर मिलता है और एक बहुत बड़ी दोस्तों पार्किंग मिल जाती है। ये आपको एक रैम मिलता है, ये गाड़ी आप यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं। और इसकी एंट्रेंस पे दोस्तों जो आपको पार्किंग मिलती है, देखिए नीचे पूरा ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस पार्किंग का जो साइज होने वाला है, बहुत बड़ी पार्किंग है दोस्तों, 11x25 की, तो बहुत बड़ी पार्किंग। और ये देखिए इसका बहुत प्यारा एलिवेशन, देखिए दोस्तों वुडन टाइल्स के साथ बहुत प्यारा इसको एलिवेशन दिया गया है। और आपको फॉल सीलिंग दोस्तों ऊपर भी मिल जाती है पार्किंग एरिया में भी विद LED लाइट्स। तो इसके साथ दोस्तों आपको इस साइड पे आपको नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिल जाता है, बहुत दोस्तों आप उसमें 2 से 2500 लीटर का आपको टैंक मिलता है। और इधर आप अपने 2-व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। इसका जो दोस्तों साइज होने वाला है वो है 19x12 का, तो एक बहुत बड़े साइज का ये आपको एरिया मिलता है। यहाँ पे आपको एक दोस्तों टैप के पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप अपनी गाड़ी वॉश करना चाहते हैं, अपने 2-व्हीलर, अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन भी यहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो चलिए इस चलते हैं ब्यूटीफुल कोठी के अंदर और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। और एलिवेशन जितना दोस्तों इसका प्यारा, अंदर से कोठी भी उतनी ही प्यारी बनी हुई है। तो ये देखिए इसमें वुडन्स के साथ आपको डिजाइन दिए गए हैं, वॉल्स में LED लाइट्स लगा के दी जा रही हैं, मैश डोर आपको एज इट इज मिलेंगे, बहुत ही प्यारा मैश डोर देखिए आपको लगा के दिया जाएगा। और ये देखिए बहुत प्यारा दोस्तों विंडो आपको मिलती है आपके फ्रंट पे, तो आपको अंदर जाके दिखाता हूँ ये आपको विंडो कहाँ पे मिलती है। और ये देखिए दोस्तों इस कोठी के हम अंदर आ चुके हैं, स्टेयर्स आपको अंदर से मिलती है, तो दोस्तों एक बहुत ही रॉयल फीलिंग आती है। एंट्रेंस पे दोस्तों ये आपको मिल जाता है आपका डाइनिंग एरिया, और इस डाइनिंग एरिया का जो साइज होने वाला है वो है 16x14 का। तो यहाँ पे आपको दोस्तों डाइनिंग एरिया में आपको एक्स्ट्रा दोस्तों बना के दिए गए हैं कबर्ड्स, ताकि आप अपना कुछ किचन का सामान, क्रॉकरी वगैरह एडजस्ट कर सकें। यहाँ पे आपका TV पैनल भी लग जाएगा, और इस एरिया में दोस्तों आप अपने माइक्रोवेव ओवन रखना चाहें, आप नीचे दोस्तों बहुत सारी स्टोरेज के लिए आपको कबर्ड बना के दिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ स्टोरेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको आपकी मॉड्यूलर किचन मिल जाती है, किचन का जो साइज होने वाला है 11x8.6 का, यू शेप में आपको किचन मिलती है, तो एक बहुत ही बड़ी किचन है दोस्तों। ये देखिए किचन के ऊपर भी आपको फॉल सीलिंग के बहुत प्यारे डिज़ाइन मिलते हैं, सामने आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, और ये आपको स्पेस मिल जाती है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। और सेम दोस्तों एज इट इज़ आपको ये किचन मिलने वाली है, ब्लैक ग्रेनाइट बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मॉड्यूलर किचन आपको मिलने वाली है, देखिए सारी किचन एज इट इज़ आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ।
गैस पाइपलाइन की दोस्तों आपको अंडरग्राउंड कंडीशनिंग करके दी जा रही है, और ये वाली स्पेस आपको जो मिलती है चिमनी के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको दोस्तों पूरा आपको किचन, ये हाइड्रोलिक किचन मिल रही है, सॉफ्ट क्लोजर सारा, और इसी में आपको प्रोविजनिंग करके दी जा रही है आपके गीजर की, आपके आर ओ की, डबल सिंक आपको मिल जाता है, और ये पूरी यू शेप की किचन आपको एज इट इज मिलती है। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको प्रोविजनिंग करके दी गई है, आप यहाँ पे भी अपने अप्लाइंसेस रख सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन लगा सकते हैं, और इसी के साथ आपको एक पेंट्री भी बना के दी जा रही है। ये देखिए बहुत ही प्यारी, ये एक आपको पेंट्री मिल जाती है, तो किचन में आपका सारा सामान दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी मॉडुलर किचन, और इसी के साथ आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा दोस्तों लिविंग एरिया, और आपका डाइनिंग एरिया में देखिए कितनी प्यारी आपको फॉल्स के डिज़ाइन मिलते हैं। एक लग्जरी दोस्तों ये कोठी होने वाली है, एक लग्जरी फील आने वाला है। तो ये आपको वुडन का पार्टीशन मिलता है, और इसी में आपको मिल जाता है लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया के दोस्तों आप देखिए व्यूज बहुत ही प्यारा वॉलपेपर आपकी वॉल पे, और लिविंग एरिया में आपको बहुत ही प्यारी दोस्तों मिलती है फॉल्स सीलिंग विद एलईडी लाइट्स। और इस लिविंग एरिया का जो साइज होने वाला है वो है 11x11 का, और ये आपको विंडो मिलती है बहुत बड़ी, जहाँ से आपका पूरे घर का व्यू आता है कि आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बहुत बड़ी विंडो मिल जाती है आपको ये वेंटिलेशन के लिए। तो देखिए बहुत प्यारा दोस्तों ये वुडन का पार्टीशन करा गया है, एलईडी लाइट्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, एक लग्जरी फील दोस्तों आपको आने वाला है। आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल ज़रूर करें। तो ये आपको 5 BHK कोठी हम दिखा रहे हैं। तो ये आ गया इसका पहला बेडरूम, ये पहला बेडरूम आ जाता दोस्तों। इस बेडरूम का दोस्तों जो साइज होने वाला है वो है 13x10.6 का, और जितने भी डोर्स हैं आपको सारे 8 फीट के मिलते हैं, और डबल 4 विट्रीफाई टाइल्स लगी हुई हैं बहुत ही प्यारी, और जो सामने आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, अगेन दोस्तों इसमें एलईडी लाइट्स का बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, एक लग्जरी लुक दोस्तों मेंटेन करी हुई है, बहुत प्यारा वॉलपेपर, स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग आपको सारी करके दी जा रही है, और इसी के साथ आपको आपके रूफ हाइट्स तक दोस्तों मिल जाते हैं कबर्ड्स, बहुत प्यारे कबर्ड्स मिलते हैं रूफ हाइट्स तक आपको स्लाइडिंग के साथ, और इसी में आपको बहुत बड़ा टीवी कैबिनेट भी मिल जाता है। देखिए कितना प्यारा दोस्तों इसमें वुडन का काम किया हुआ है, और इसी में आपको मिल जाते हैं आपके ड्रेसिंग टेबल, और आपको एक अलग से ड्रेसिंग एरिया बना के दिया जा रहा है जहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल भी बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अपना सिर्फ आपका मिरर लगना पेंडिंग है, बाकी दोस्तों ड्रेसिंग टेबल ऑलमोस्ट बन चुका है। और इसी के रूम के साथ आपको मिल जाता है वॉशरूम, रूफ हाइट तक टाइल मिलती है वॉशरूम का, दोस्तों काम फिनिशिंग स्टेज पे ही ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। इसका जो साइज है वो है 8x4.6 का। तो ये था हमारा पहला बेडरूम, ये आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के व्यू। तो अभी चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में, अगेन दोस्तों हमारे चलते हैं डाइनिंग एरिया में, और तो देखिए बहुत ही प्यारा दोस्तों लग्जरी फील, इसे कहते हैं लग्जरी। तो चलिए दिखाता हूँ आपको सेकंड बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। सेकंड बेडरूम का जो साइज होने वाला है वो है 12x10.6 का, अगेन दोस्तों बहुत ही प्यारी, इसमें अलग से आपको फॉल सीलिंग के डिज़ाइन मिलते हैं, बहुत ही लग्जरी टच आता है, एलईडी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा हुआ है, और ये आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं, विंडो मिल जाती है आपको वेंटिलेशन के लिए, और यहीं से आपको एक्सेस मिलता है आपके रियर कोर्टयार्ड का, बहुत प्यारा आपको टीवी कैबिनेट मिल जाता है, और जितने डोर था दोस्तों मैंने आपको पहले बताया आपको मैच डोर मिलते मिलते हैं, और सारे डोर आपको 8 फीट के मिलते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ आपका कबर्ड एरिया, तो ये आपका आ जाता है कवर्ड एरिया, ये आप सामने देख रहे हैं ड्रेसिंग एरिया, आपका मिरर सिर्फ लगना पेंडिंग है, और ये आपके पूरे दोस्तों रूफ हाइट तक आपको यहाँ पे कवर्ड मिल जाते हैं, स्लाइडिंग के साथ कवर्ड मिलते हैं दोस्तों, एक स्पेस का दोस्तों अच्छा यूटिलाइज हो जाता है। मैं आपको कवर्ड के भी दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये आपको ऐसे स्लाइडिंग में कवर्ड मिल जाते हैं, और ये जो आपका पूरा ड्रेसिंग एरिया है इसका जो साइज होने वाला है वो है 6x10.6 का, और इसी के साथ आपको मिल जाता है आपका वॉशरूम, और जो वॉशरूम का साइज होने वाला है वो है 8x6 का, बहुत अच्छे साइज का ये वॉशरूम मिलता है,
देखिए आपको LED लाइट्स फॉल सीलिंग में, वॉशरूम में भी मिलती हैं, फुल लाइट आपकी टाइल्स लगी हुई हैं, कोई भी सीलन पपड़ी का कोई इशू ही नहीं है। आपकी वॉल हैंग सीट अभी इंस्टॉल होनी पेंडिंग है, तो वो दोस्तों इंस्टॉल हो जाएगी। और वॉशरूम में आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, आपने देखा सेकेंड अटैच वॉशरूम। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ रियर कोर्टयार्ड। अगेन चलते हैं हमारे बेडरूम में, और इसी बेडरूम से आपको एक्सेस मिलता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का, जहाँ से आपके पूरे घर की दोस्तों वेंटिलेशन लगी रहती है। देखिए टीक वुड दोस्तों लगी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। और ये आ गए हमारे रियर कोर्टयार्ड में। तो रियर कोर्टयार्ड में आपको वेंटिलेशन मिलती है अगेन दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपके वॉशरूम्स की, आपके किचन की वेंटिलेशन मिलती है और आपके बेडरूम्स की मिलती है। कोर्टयार्ड का जो साइज होने वाला है बहुत अच्छे साइज का दोस्तों आपको कोर्टयार्ड मिलता है, 5x28 का। तो एक बहुत बड़ा बहुत अच्छे साइज का आपको ये कोर्टयार्ड मिल जाता है। और यहीं से चलते हैं फिर से हमारे बेडरूम में, और चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स आपको अंदर से है, एक लग्जरी विला की फील आती है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए बहुत प्यारा दोस्तों, अभी इसमें आपके स्टील रेलिंग लगी हुई है, इसमें ग्लास का काम पेंडिंग है दोस्तों, इस पर अभी ग्लास लग जाएगा। और अंदर से स्टेयर है दोस्तों तो आपको लग्जरी फील आती है। स्टेयर्स पे पूरा दोस्तों आपको ग्रेनाइट एज इट इज लगा हुआ मिलेगा, और इसमें भी आपको LED लाइट्स, वॉलपेपर आपको एज इट इज मिलने वाला है। चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं हमें फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपको लग्जरी व्यू आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए ऊपर कितना प्यारा दोस्तों फॉल सीलिंग का काम है, और कितनी प्यारी LED लाइट्स लगी हुई है। यहाँ पे आपका दोस्तों अभी ग्लास लगना पेंडिंग है आपकी स्टील रेलिंग पे, उसका दोस्तों फाइनल स्टेज का काम चल रहा है, वो लग जाएगा। तो ये आगे हम फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे आते दोस्तों, देखिए आप पहले आप सीलिंग के व्यू देखिए। हर जगह आपको ऐसे ही दोस्तों LED लाइट्स के साथ सीलिंग मिलती है। और ये आपका एक आ जाता है सिटिंग एरिया जो बना के दिया गया है, और इस सिटिंग एरिया का जो साइज है वो है 15x8 का, 15x8 का ये आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। और यहीं पे दोस्तों आपको आपके घर में एक स्पेशल चीज़ बना के दी जा रही है, जिसको हम बोलते हैं हमारे घर की सबसे अच्छी जगह, मंदिर भी आपको बना के दिया जा रहा है। और इस मंदिर का जो साइज होने वाला है वो है 7x4 का। इसमें भी दोस्तों आपका बहुत प्यारा डिज़ाइन दिया गया है LED लाइट्स के साथ। और इसी के साथ हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम, और इस बेडरूम का जो साइज होने वाला है वो 13x10 का, बहुत अच्छे साइज का दोस्तों बेडरूम। और अगेन बहुत ही प्यारी डाउन सीलिंग, LED लाइट्स बहुत ही प्यारी लग रही है, वुडन टच दिया गया है वो उसमें, और चार चांद लगा रहा है। और ये आपका बहुत ही प्यारा वॉलपेपर, और बहुत बड़ी विंडो मिलती है आपको वेंटिलेशन के लिए, और इसी में आपको बहुत बड़ा एक TV कैबिनेट भी मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपका ड्रेसिंग एरिया अलग से बना के दिया जा रहा है, ताकि आपके रूम की स्पेस वेस्ट ना हो। और ये आ गया आपका ड्रेसिंग एरिया, इसमें आपको रूम फाइट्स का कबर्ड बना के दिए जा रहे हैं। और ड्रेसिंग एरिया आपको अगेन स्लाइडिंग के साथ दिया गया है, और इसी में आपको अटैच मिल जाता है वॉशरूम। वॉशरूम का साइज दोस्तों बहुत अच्छे साइज का वॉशरूम, 8x4.6 का आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। रूफ हाइट तक टाइल्स मिलती हैं, इसमें भी फॉल सीलिंग मिलती हैं, LED लाइट्स भी मिल जाती हैं, एंटीज की टाइल्स मिलती हैं, और जितनी दोस्तों इसमें फिटिंग इंस्टॉल होगी सारी दोस्तों ब्रांडेड होने वाली है, क्योंकि इस लग्जरी घर का लग्जरी स्टेटस मेंटेन रहने वाला है। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम, चलिए अब चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम में। अगेन देखिए बहुत प्यारी दोस्तों आपको फॉल सीलिंग दिख जाएगी। ये आ गया हमारा फोर्थ बेडरूम, और इस फोर्थ बेडरूम का दोस्तों देखिए बहुत ही प्यारा एक वॉलपेपर आपको फ्रंट में मिल जाता है, स्प्लिट AC की प्रिजनिंग मिल जाती है, और फॉल सीलिंग अगेन एक अलग डिज़ाइन की वुडन स्टाइल इसको दिया गया है टच, और LED लाइट्स का बहुत प्यारा दोस्तों यूटिलाइज करा गया है। और
इसी रूम में आपको एक बहुत बड़ी बालकनी मिलती है, विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, और इस रूम का जो साइज़ होने वाला है वो है 13x11 का, और बहुत अच्छे साइज़ की आपको ये रूम साइज़ मिलता है, और ये आपको बहुत बड़ा टीवी कैबिनेट मिल जाता है। इसी के साथ आपको अटैच अलग से दोस्तों आपका कबर्ड एरिया मिल जाता है, ताकि आपके रूम की स्पेस वेस्ट ना हो। तो ये देखिए, ये आपको अगेन स्लाइडिंग में आपको पूरा रूफ हाइट तक आपको कवर्ड एरिया मिल जाता है। ये देखिए, और इसी के साथ आपको अटैच आपको मिल जाता है वॉशरूम, और इस वॉशरूम का जो साइज होने वाला है वो है 6x5 का। रूफ हाइट तक टाइल्स मिलती है, तो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सीलन पपड़ी की कोई इशू नहीं आने वाला। फॉल सीलिंग एलईडी लाइट्स इसमें भी आपको मिल जाती हैं। सिर्फ दोस्तों आपकी इंस्टॉलेशन पेंडिंग है आपके सैनिटरी वेयर और सैनिटरी फिटिंग की, ऑलमोस्ट बाकी दोस्तों सारा फाइनल स्टेज पे ही है। इस रूम के साथ आपको फ्रंट में बहुत बड़ी बालकनी मिल जाती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी, और इस बालकनी का जो साइज होने वाला है, अभी मैं इसी एरिया का दोस्तों आपको साइज बता रहा हूँ, ये है 8.6x11 का, और सामने देखिए पूरी लेन में दोस्तों कोठियाँ बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों एरिया है सेक्टर 125 सनी क्लब मोहाली का, और एक दोस्तों ये आपको लंबी बालकनी मिल जाती है, ऑलमोस्ट दोस्तों 30 फीट इसकी लंबाई है, जो आपको आपके रूम के साथ टच करती है। देखिए पूरा अच्छा ग्रीनरी मेंटेन करी हुई है, और ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा वुडन का टच दिया गया है, बहुत प्यारा बहुत लग्जरी फील आता है अगर आप इसको बाहर से देखते हो। आप भी दोस्तों इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इसको बहुत ही प्यारा डिजाइन दिया गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का व्यू, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नेक्स्ट बेडरूम जो कि फिफ्थ बेडरूम। बट उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक डेडिकेटली अलग से एक स्टोर भी मिल जाता है। तो ये आ गया हमारा स्टोर एरिया, अभी स्टोर है तो दोस्तों इसमें स्टोरेज के लिए थोड़ा सामान रखा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें स्टोरेज का एक्स्ट्रा सामान, जो अभी इसका पेंटिंग चल रही है, फिनिशिंग चल रही है, उसका सामान पड़ा हुआ है। तो ये जो स्टोर है आपको मिल जाता है 5.6x11.6 का, एक बहुत अच्छे साइज का स्टोर है। दोस्तों हमारे इंडियन घरों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान हो जाता है कि हमें स्टोर की ज़रूरत पड़ी जाती है, तो इसलिए स्टोर आपको बना के दिया जा रहा है। और ये आ गया दोस्तों आपका पांचवा बेडरूम, फिफ्थ बेडरूम जो आपको मिलता है, बहुत अच्छे साइज का, बहुत एक अलग डिज़ाइन के साथ आपको फॉल सीलिंग मिलती है एलईडी लाइट्स के साथ, और इस बेडरूम का जो साइज होने वाला है वो है 13x11 का। तो बहुत अच्छे साइज का ये आपको बेडरूम मिल जाता है, और सामने ये विंडो मिलती है आपको वेंटिलेशन के लिए। ये आपको एक डोर मिलता है दोस्तों, आपको आपको एक पीछे रूफ मिलती है, ओपन रूफ मिलती है उसको एक्सेस करने के लिए, और ये आपका टीवी कैबिनेट मिल जाता है बहुत बड़ा। तो रियर कोर्टयार्ड का दोस्तों आपको रूफ एक्सेस में बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा दूँ आपके कवर्ड एरिया। ये आपका सामने ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, हर रूम में आपको ड्रेसिंग एरिया ऑलमोस्ट मिल जाता है, कवर्ड आपको रूफ हाइट तक मिल जाते हैं, और यहीं पर आपको मिल जाता है एक वॉशरूम। और ये देखिए वॉशरूम में अभी दोस्तों थोड़ा सा काम चल रहा है, बट फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको मैं दिखा दूँ। और ये वॉशरूम आपको सेम दोस्तों अगेन रूफ हाइट तक टाइल्स मिल जाती हैं, और फिनिशिंग का काम चल रहा है, और इस वॉशरूम का जो साइज होने वाला है अगेन दोस्तों बहुत अच्छे साइज का ये आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो आप पहले इसके पूरे अच्छी तरह व्यू देखिए कबर्ड एरिया के, और जो पहले मैं आपको ये कबर्ड एरिया बता देता हूँ, ये जो कबर्ड एरिया है इसका साइज है 10.6x6 का, और इसके साथ जो आपको वॉशरूम मिलता है उसका साइज है 8x6 का। तो एक अच्छा साइज, बहुत बड़े साइज की ये कोठी है। आप भी दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। चलिए चलते हैं हमारे रियर पे, जो आपको एक्सेस मिलता है इसी रूम से, और यहाँ पे आपको ओपन रूफ मिल जाती है। ये देखिए आपको एक बालकनी बना के दी जा रही है, ये आपका डक्ट एरिया दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ये आपका डक्ट एरिया आ जाता है आपके वेंटिलेशन के लिए, और ये आपको बैक में मिल जाती है ओपन रूफ। यहीं से आपको एक्सेस मिलता है आपका सेकंड फ्लोर का, स्टेयर्स आपको यहीं से मिलती हैं आपके सेकंड फ्लोर के लिए, और यहाँ पे दोस्तों आप अपना आउटडोर फर्नीचर लगा सकते हैं,
अपनी इवनिंग टी इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, छोटी किटी पार्टी कर सकते हैं, और दोस्तों बारिश के मौसम में अगर इंजॉय करना हो तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ रूफ पे, आपको पूरे सेक्टर के व्यू दिखाता हूँ। तो ये हम आ गए सेकेंड फ्लोर पे, आप सेकेंड फ्लोर पर भी दोस्तों कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सेकेंड फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन करना अप्रूव है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको स्टोरेज टैंक मिल जाते हैं बहुत थाउजेंड थाउजेंड लीटर के, और ये पूरा आपके सेक्टर का व्यू। तो ये देखिए यल वाजू टावर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और ये पूरा बसा हुआ सेक्टर है, बहुत प्राइम लोकेशन होने वाली है, सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में, बिल्कुल दोस्तों जो आपकी एयरपोर्ट रोड है वहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसलिए आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आप जल्दी से हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।